वेलकम टू फ्लाई हाई एकेडमी। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ने से पहले आपको बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो दो शब्दों से मिलके बना है, दैट इज बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। बिजनेस मीन्स एनी एक्टिविटी विच अर्न प्रॉफिट, और एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स हैं। द टर्म बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, और दूसरे फोर्सेस में कुछ एक्सटर्नल फोर्स आते हैं और कुछ इंटरनल फोर्सेस आते हैं, कुछ जनरल फोर्सेस आते हैं, कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस आते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन वे बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं। दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। द इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड अदर फोर्सेस विच ऑपरेट आउटसाइड अ बिजनेस एंटरप्राइज। जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और दूसरे फोर्सेस होते हैं वो बिजनेस एंटरप्राइज के आउटसाइड होते हैं, बट कहीं ना कहीं वो बिजनेस एनवायरनमेंट का ही पार्ट होते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी अवेयर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने एक्सटर्नल फोर्सेस पता होने चाहिए। एंड इंस्टीट्यूशन मस्ट बी डायनेमिक। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ही डायनेमिक इन नेचर होता है। डायनेमिक इन नेचर का मतलब ये होता है कि वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं वो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। एंड दे आर डायनेमिक, मतलब वो बहुत जल्दी चेंज होते रहते हैं, तो बिजनेस एनवायरनमेंट को अपने आप को उस चीज में अडेप्ट करना चाहिए। द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट सेट गोल्स एंड फॉर्मुलेट प्लान्स एंड प्रोसीजर्स बेस्ड ऑन द चेंजिंग एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, जितना भी जो हमारे एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमेशा चेंज होता रहता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के जो प्लान्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स होते हैं वो अकॉर्डिंग टू बिजनेस एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम उन्हें चेंज कर सकें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। द फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म। जितने भी बाहर के फैक्टर्स हैं उन सबको अगर मिला दिया जाए तो हमारा एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनता है। सेकेंड इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। देखिए, दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, फर्स्ट इज स्पेसिफिक एंड सेकेंड इज जनरल फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स में इंक्लूड होता है इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा, जो हमारे बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, विच इन्फ्लुएंस बिजनेस फॉर्म डायरेक्टली। वाइल जनरल फोर्सेज इंक्लूड, जनरल फोर्सेज होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, विच अफेक्ट फॉर्म इनडायरेक्टली, जो फॉर्म को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। देन थर्ड इज इंटररिलेटेडनेस। इंटररिलेटेडनेस रिफर्स टू डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटररिलेटेड। जितने भी बिजनेस एनवायरनमेंट के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं और पार्ट्स होते हैं वो इंटररिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्थ केयर की अवेयरनेस को इंक्रीज कर दें तो कहीं ना कहीं जो हेल्दी ऑयल है, हेल्दी लाइफस्टाइल है, उसकी भी डिमांड रेज होगी। देन फोर्थ पॉइंट इज डायनेमिक। बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनेमिक इन विच इट कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन टेक्नोलॉजी, शिफ्ट इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एक्सेट्रा। देखिए, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक होता है इन द सेंस कि वो हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे ही कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज होंगे तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी है वो चेंज होगी तो भी वो हमारे बिजनेस पे अफेक्ट करेगी। इसीलिए एक जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसे उस चीज़ को अडेप्ट कर लेना चाहिए। देन फिफ्थ इज अनसर्टेनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज़ डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही अनसर्टेन होता है, लाइक मार्केट जो होता है अनसर्टेन होता है, हमें कभी पता नहीं चलता किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है। वैसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो अनसर्टेन होता है, मतलब इसमें हम फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में एनवायरनमेंट में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कंज्यूमर के टेस्ट क्या होंगे, टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ सकते हैं, दैट ऑल आर अनसर्टेन। देन सिक्स्थ इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। कॉम्प्लेक्स मीन्स यू कैन नॉट ईजिली अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट, बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टोटलिटी सिंस द बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट वेरियस इंटररिलेटेड एंड डायनेमिक फोर्सेस। देखिए, बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत सारे इंटररिलेटेड
डायनेमिक फोर्सेस को कंसिस्ट करता है. सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गिवन एनवायरनमेंट. इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि एनवायरनमेंट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं. इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स कि बिजनेस एनवायरनमेंट की क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती है. बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्कैन कर लेते हैं तो बिजनेस की क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज हैं वो पता चल जाती हैं और हम उस चीज़ में फर्स्टली मूव करके फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन सकते हैं. देन सेकेंड पॉइंट इज इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. बिजनेस इंपॉर्टेंस का सेकेंड पॉइंट ये है कि आइडेंटिफाई थ्रेट. हम थ्रेट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो हमें पता रहता है कि इन फ्यूचर क्या क्या सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं और हमें अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं. तो अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छे से स्कैन कर लेते हैं, एनवायरनमेंट स्कैनिंग हमारी बिल्कुल सही होती है, तो हम हमारे बिजनेस के जो थ्रेट्स हैं हम उसे ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं. देन थर्ड इज इट हेल्प्स इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. बिजनेस एनवायरनमेंट इज सोर्स ऑफ वेरियस रिसोर्सेज लाइक मैन, मशीन, मनी, रॉ मटीरियल, पावर एक्सेट्रा टू अ बिजनेस फर्म. बाय अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज कैन डिजाइन पॉलिसीज टू एक्वायर द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड कन्वर्ट देम इनटू आउटपुट दैट एनवायरमेंटल डिजायर. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट देखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स होती है, मतलब बिजनेस की सराउंडिंग्स होती है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है. तो बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ रिसोर्सेज होते हैं दैट इज मैन, मशीन, मनी, रॉ मटेरियल, पावर एक्सेट्रा. इन सब को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट को अपनी पॉलिसीज को डिजाइन करना चाहिए और रिसोर्सेज को एक्वायर करना चाहिए ताकि हम एक अच्छे से, मतलब जो हमारे रॉ मटेरियल है हम उसे अच्छे से आउटपुट में कन्वर्ट कर. देन फोर्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस. बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनेमिक, वर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट. देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो बहुत ही डायनेमिक होता है, वो बहुत ही फास्टली चेंज होता है. चेंजेस सच एज ट्रिबुलेंट मार्केट कंडीशन, लाइक मार्केट कंडीशन बहुत जल्दी चेंज हो जाती है. ब्रांड लॉयल्टी, कंज्यूमर बहुत जल्दी ब्रांड एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पे शिफ्ट हो जाते हैं. इन ऑर्डर टू कोप अप विद सिग्निफिकेंट चेंजेस मैनेजर्स मस्ट अंडरस्टैंड, एग्जामिन एंड डेवलप अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन. इन सबको कोप अप करने के लिए मैनेजर को प्रॉपरली इन्वायरमेंट स्कैन करना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज प्लान्स डिसाइड होने चाहिए. इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैन बी बेसिस. देखिए अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट को हम अच्छे से अंडरस्टैंड और एनालाइज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी प्लानिंग है, पॉलिसीज है, उसको ध्यान में रखते हुए ही बनाएंगे. मतलब कि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली स्कैन कर लेते हैं, अच्छे से आपको पता पड़ जाएगा कि इन फ्यूचर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, तो आप जितनी भी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मेशन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दैट करेंगे. देन सिक्स्थ इज इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस. द एंटरप्राइज दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर द एनवायरनमेंट. देखिए एंटरप्राइज क्या करती है, कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट को मॉनिटर करती है एंड अडॉप्ट सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस. जितनी भी सूटेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस होती है उन्हें अडॉप्ट करती है, विच नॉट ओनली इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस. वहाँ से उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज नहीं होती बल्कि वो मार्केट में भी लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर. अब हम देख लेते हैं डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होते हैं. देखिए डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं. कुछ ऐसे एनवायरनमेंट हैं जो हम इस स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट इज सोशल एनवायरनमेंट, देन टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सा एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इट हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस. जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसका इमीडिएट और डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारे बिजनेस पे. जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया, इन्फ्लेशन रेट चेंज हो गया, पीपल की इनकम चेंज हो गई, मॉनिटरी पॉलिसीज चेंज हो गई,
तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक फैक्टर्स जो चेंज होते हैं वो हमारी बिजनेस फॉर्म पे अफेक्ट करते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कभी कभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और कभी कभी हमारे लिए कॉन्स्ट्रेंट भी लाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंज्यूमर की इनकम चेंज हो रही है, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या करेगा, गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा। तो जब वो गुड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बाय करेगा तो मार्केट में डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये बिजनेस एनवायरमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। देन इनकम एंड वेल्थ में यही है कि जो हमारी इकनॉमी है उसमें इनकम कितनी हो रही है, इनकम कितनी जनरेट हो रही है, वहाँ के लोग उस प्रोडक्ट को कितना परचेज कर पा रहे हैं। देन सेकेंड इज एम्प्लॉयमेंट लेवल, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल से आप समझते हैं कि सोसाइटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड वेरियस सोशल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो बहुत सारे सोशल फोर्सेस को इंक्लूड करता है, जैसे कि कस्टम, बिलीव, लिटरेसी रेट, एजुकेशनल लेवल, लाइफ स्टाइल, वैल्यूज एक्सेट्रा। सोशल ट्रेंड्स प्रेजेंट वेरियस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स टू बिजनेस एंटरप्राइज। देखिए, जो सोशल एनवायरनमेंट रहता है वो भी बिजनेस के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स लेके आता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम, द सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली। जब भी ईद, दिवाली सेलिब्रेशन होता है तो जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो कन्वेंशनरी आइटम्स रहते हैं, उनके लिए इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया का एक सोशल एनवायरनमेंट है, जितने भी हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं वो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। जब भी हम उन फेस्टिवल्स को बहुत धूमधाम से मनाते हैं तो कहीं ना कहीं जो मार्केट की कंडीशन है वो चेंज होती है। मार्केट की कंडीशन कैसे चेंज होती है कि लोग ज़्यादा गारमेंट्स बाय करते हैं, लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन ऑफ बिजनेस क्या होता है, इंक्रीज होता है। देन थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड फोर्सेस रिलेटेड टू साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशन। इसमें जितने भी फोर्सेस होते हैं वो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन के ऊपर रहते हैं, विच प्रोवाइड न्यू वेव्स ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। जो हमें न्यू वेव्स बताते हैं कि हम कैसे अपने बिजनेस के, मतलब अगर हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हम जो गुड्स हैं वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। अगर हम न्यू मेथड्स को अडॉप्ट कर लें, न्यू टेक्निक्स को अडॉप्ट कर लें, तो कहीं ना कहीं जो बिजनेस है वो ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर LED स्मार्ट HD TVs इंस्टेड ऑफ LCD TVs। यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन वेरियस कंपनीज। देखिए क्या होता है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने से हमारा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि इन्होंने बोला है डिमांड फॉर LED स्मार्ट HD TV। अगर लोग जो है वो LCD TV की जगह LED TV को बाय कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कंपनीज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बढ़ जाती है। देन इसके बाद है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स पॉलिटिकल कंडीशन एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। देखिए, पॉलिटिकल कंडीशन जो होती है वो बिजनेस एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अगर कहीं भी आप बिजनेस रन कर रहे हैं तो वहाँ की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट कितनी फास्ट चेंज हो रही है। अगर गवर्नमेंट बहुत फास्टली चेंज हो रही है, वहाँ पे बिल्कुल भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो जो गवर्नमेंट चेंज हो रही है वो अपनी न्यू पॉलिसीज प्रोसीजर्स लेके आएगी, जो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लॉन्ग रन के लिए इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस कम्युनिटी। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो कहीं ना कहीं बिजनेस कम्युनिटी में एक कॉन्फिडेंस रहता है। वाइल इनस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रहती है तो जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं वो हमेशा चेंज होते रहते हैं, अनसर्टेन होते रहते हैं, जिससे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ में बहुत सारा इफेक्ट होता है। देन इसके बाद का टॉपिक है लीगल एनवायरनमेंट। इट इंक्लूड्स वेरियस लॉस एंड लेजिस्लेशन पास्ड बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स, कोर्ट जजमेंट्स, डिसीजन ऑफ वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एट एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंटर, स्टेट और लोकल। बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड देयर नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। देखिए, लीगल एनवायरनमेंट भी कहीं ना कहीं बिजनेस को अफेक्ट करता है। जितने भी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को पहले से पता होना चाहिए। मतलब जो आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं आपको वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए।
और बिजनेस को उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया। अभी तक हमने ये पढ़ा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, अब हम ये देखेंगे कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंडिया में क्या है। एज फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग द गवर्नमेंट गेव लीड रोल टू द पब्लिक सेक्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज। देखिए इनका कहने का मतलब ये है कि अगर हम इकोनॉमिक प्लानिंग को देखें तो गवर्नमेंट ने जो लीड रोल दिया था वो पब्लिक सेक्टर्स को दिया था इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज के लिए। वेयर इज प्राइवेट सेक्टर हैज ब्रॉडली गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स। और प्राइवेट सेक्टर को क्या दिया गया था कि आप गुड्स को प्रोड्यूस करें, डेवलपिंग कंज्यूमर गुड्स। देखिए इन्होंने दो बातें करी हैं, एक पब्लिक सेक्टर को इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज दे दी थी एंड प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने गुड्स बनाने के लिए दे दिए थे। एट द सेम टाइम द गवर्नमेंट इम्पोज सेवरल रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ऑन द वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। और सेम टाइम में गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस और कंट्रोल्स दे दिए कर दिए थे वर्किंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। इंडियाज एक्सपीरियंस विद इकोनॉमिक प्लानिंग हैज डिलीवर्ड मिक्स्ड रिजल्ट। जो इंडिया का एक्सपीरियंस रहा था इकोनॉमिक प्लानिंग में वो मिक्स्ड रिजल्ट रहा था। इन 1991 द इकोनॉमी फेस्ड अ सीरियस फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस। 1991 में जो हमारी कंट्री थी वो कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस को फेस कर रही थी। हाई गवर्नमेंट डेफिसिट, जो गवर्नमेंट का डेफिसिट था वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था और जो प्राइजेस थे क्रॉप के प्राइजेस थे वो कहीं ना कहीं राइज होते जा रहे थे। प्राइस जो थे वो राइज होते जा रहे थे। एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस। और इकोनॉमिक रिफॉर्म के आपको पता होना चाहिए कि 1991 में कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए थे। इसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी इन जुलाई 1991 फॉर टेकिंग आउट द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक। ये जितनी भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी कंट्री फेस कर रही थी और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कुछ पॉलिसीज आई थी जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं क्या होते हैं। जो हमारा फर्स्ट फीचर है दैट इज रिड्यूस नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज टू 6 अंडर कंपलसरी लाइसेंसिंग स्कीम। पहले क्या होता था कि जितनी भी छोटे छोटे फर्म्स होती थी, बिजनेस होते थे, सबके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड रहता था। लेकिन जब इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आई तो ये जो नंबर था ये रिड्यूस होकर सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज के लिए रह गया था। देन द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वॉज लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर का जो रोल था उसे बहुत लिमिटेड कर दिया था, सिर्फ 4 इंडस्ट्रीज में उनको कर दिया था। देन थर्ड इज डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट इन केस ऑफ मैनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। इसके बाद जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो 6 यूनिट्स होती जा रही थी वहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट हो रहा था। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पब्लिक जो गवर्नमेंट है वो अपना इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कम करती जा रही थी और प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करती जा रही थी। पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल वॉज लिबरलाइज्ड। जो भी फॉरेन कैपिटल पॉलिसी थी उसको लिबरलाइज कर दिया था बहुत सारे सेक्टर्स में। 100% FDI वॉज अलाउड। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो 100% अलाउ कर दिया था। देन फिफ्थ इज ऑटोमेशन परमिशन वॉज ग्रांटेड फॉर साइनिंग टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद फॉरेन कंपनीज। इसके बाद जो है वो ऑटोमेशन परमिशन मिलने लगी थी, जितनी भी टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स थे फॉरेन कंपनीज के उन्हें ऑटोमेटिक परमिशन मिलने लगी थी। देन सिक्स्थ इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वॉज सेटअप टू प्रमोट एंड चैनलाइज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोट करने के लिए हमारे यहाँ एक बोर्ड बन गया था, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करता। देन हम देख लेते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 3 है, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? लिबरलाइजेशन मीन्स कि लिबरल, अब गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज को लिबरल कर दिया था। द इकोनॉमिक रिफॉर्म दैट वर इंट्रोड्यूस एम्ड एट लिबरलाइजिंग द इंडियन बिजनेसेस एंड इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शन। जितने भी अननेसेसरी कंट्रोल्स और रिस्ट्रिक्शंस थे उन्हें लिबरलाइज कर दिया था, मतलब उन्हें कम कर दिया था। इट रिलेट्स द रूल्स एंड रेगुलेशन विच रिस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ के लिए जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन
बनाए थे जिसके कारण वो ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, उसको रिलैक्स कर दिया था एंड ऑल्सो अलाउ द प्राइवेट सेक्टर टू टेक पार्ट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उनमें भी प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर दिया गया था ताकि वो लोग अपना बिजनेस वहाँ पे भी स्टार्ट कर सके. लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज टेकन प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट. बहुत सारी जो लाइसेंस रिक्वायर्ड रहते थे उन्हें अबॉलिश कर दिया मतलब खत्म कर दिया था, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनमें सिर्फ लाइसेंस की जरूरत रहेगी. देन फ्रीडम इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कंपनीज को फ्रीडम दे दिया गया कि आप अपनी स्केल को खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आप उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. देन थर्ड, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज के जो मूवमेंट होते थे उनके ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शन थी उन्हें खत्म कर दिया गया. फ्रीडम इन फिक्सिंग द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस को फिक्स करने के लिए फ्रीडम दे दी गई थी. रिडक्शन इन टैक्स रेट को रिड्यूस कर दिया गया था एंड लिफ्टिंग ऑफ अननेसेसरी कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी, और जो अननेसेसरी कंट्रोल्स थे उन्हें खत्म कर दिया गया था. सिंप्लीफाइंग प्रोसीजर्स, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की जितनी भी पॉलिसीज थी उन्हें बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया गया था. मेक इट ईजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी टू इंडिया, और यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज आई थी जहाँ पे फॉरेन कैपिटल मतलब जो इंडिया जो है वो फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट कर पाए. इसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज प्राइवेटाइजेशन. प्राइवेटाइजेशन जनरली मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर. इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर के लिए ट्रांसफॉर्म हो रही थी. टू एग्जीक्यूट पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट टुक द फॉलोइंग स्टेप्स, और इन सबको करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे. फर्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, दैट इज जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज थी वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए. सेकेंड इज सेटिंग अप ऑफ बोर्ड ऑफ इंडियन इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन. सेकेंड इन्होंने ये कहा था कि जो इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल रिकन्स्ट्रक्शन बोर्ड है उसे सेटअप किया जाए. दिस बोर्ड वॉज सेटअप टू रिवाइव, ये बोर्ड जो था वो जो सिक यूनिट्स हो जाती हैं, जो सिक यूनिट्स हो जाती हैं मतलब जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जब बहुत ज़्यादा लॉस सफ़र करते हैं तो जो उनकी यूनिट्स होती हैं वो सिक हो जाती हैं. सिक हो जाती हैं मतलब बंद हो जाती हैं, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को उन्होंने दे दी थी. डिल्यूशन ऑफ स्टेक टू द गवर्नमेंट, इफ इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर एक्वायर मोर देन 51% ऑफ शेयर. दूसरी चीज़ इन्होंने ये बोली थी कि डिसइन्वेस्टमेंट में अगर जो प्राइवेट सेक्टर है उसका शेयर जो होगा वो 51% से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं वो उसकी जो ओनरशिप होगी वो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज के हाथ में होगी. देन ए ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मीन्स रिडक्शन और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड टैलेंट अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज. देखिए पहले क्या होता था, पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे कि जो इंडिया की जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो इंडिया के बाहर नहीं जा सकते, मतलब वो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर थे. लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन आया तो ये सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया गया और बाकी सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया गया. इसमें इन्होंने ये कर दिया कि इंडिया के जो लोग हैं, जो इंडिया के बिजनेसेस हैं वो बाहर कर सकते हैं और बाहर के बिजनेसेस इंडिया में आ सकते हैं. इट इज़ टर्निंग द वर्ल्ड इन टू वन होल और क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड. इसका मतलब यही है कि आपने जो पूरा वर्ल्ड है उसको ओनली वन कन्वर्ट कर दिया. अब आपके पास कोई नेशनल बाउंड्रीज नहीं है, आप इंडिया के बाहर जाके भी काम कर सकते हैं, इंडिया के बाहर जाके भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, और जो बाहर के लोग हैं जितनी बाहर की MNCs हैं वो इंडिया में आके वर्क कर सकती हैं. अ ट्रूली ग्लोबल इकोनॉमी इम्प्लॉयज अ बाउंड्रीलेस वर्ल्ड वेयर देयर इज अ फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस नेशन. नेशन में फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, कैपिटल भी फ्रीली फ्लो हो, फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी भी फ्री फ्लो हो, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर, मतलब कि जो लोग हैं वो ईजिली दूसरी कंट्री में जा सके और वहाँ के लोग हमारी कंट्री में आ सके. अ कॉमन एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म फॉर ऑल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, और जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनका एक कॉमन और एक्सेप्टेबल
मैकेनिज्म हो, अ ग्लोबल गवर्नेंस प्रस्पेक्टिव। देन है डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ ही होंगे, क्योंकि आपने देखा होगा नवंबर 8 2016 में जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने कुछ डिनोमिनेशन के नोट्स को डीमोनेटाइज कर दिया था। डीमोनेटाइज कर दिया था मतलब ख़त्म कर दिया था, दैट इज 500 एंड 1000। जो 500 और 1000 के नोट थे उन्हें डीमोनेटाइज कर दिया था, जिसका इमीडिएट इफेक्ट बिजनेसेस पे दिखा था। लीगल टेंडर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू स्पेसिफाइड पर्पसेस सच एज पेइंग यूटिलिटी बिल्स, दिस लेड टू 86। इससे क्या हुआ था, 86% जो मनी थी सर्कुलेशन हो रही थी इकोनॉमी में वो इनवैलिड हो गई थी। द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू डिपॉजिट द इनवैलिड करेंसी इन द बैंक्स, और जो इंडिया के लोग थे वो इनवैलिड करेंसी बैंक्स में डिपॉजिट कर रहे थे, विच केम अलॉन्ग द रिस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन कैश विड्रॉल। इसीलिए कैश विड्रॉल पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि आप इतना ही कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन द कन्वर्टेबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक मनी एंड बैंक डिपॉजिट। द मेन एम वॉज टू कर्ब करप्शन, ब्लैक मनी एंड इलीगल एक्टिविटी। इन सबका मेन एम एक ही था कि आप हमारी इकोनॉमी में से करप्शन कम हो जाए, ब्लैक मनी कम हो जाए, और जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज है वो ना हो। फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन क्या होते हैं देखते हैं। डीमोनेटाइजेशन को हम एज अ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर भी देख सकते हैं। एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर मतलब कि लोग अपना टैक्स बचा बचा के कहीं ना कहीं मनी को अपने पास सेव करते जा रहे थे। कैश होल्डिंग अराइजिंग फ्रॉम डिक्लेयर्ड इनकम वॉज रेडिली डिपॉजिटेड इन बैंक एंड एक्सचेंज फॉर फ्यू नोट्स, बट दोज विद ब्लैक मनी हैड टू डिक्लेयर अनअकाउंटेड इनकम एंड पे टैक्स पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड। देखिए बहुत सारे लोगों ने जो था क्या करा था, टैक्स पे नहीं किया था। जब टैक्स पे नहीं किया था तो वो जो इनकम थी वो उनके हाथ में जो उन्होंने कैश था वो होल्ड करके रखा था। जब वो कैश होल्ड करके रखा था तो कहीं ना कहीं उनके पास ये सारी ब्लैक मनी थी। जब ब्लैक मनी, जब उन्होंने टैक्स पे नहीं किया था और ये ब्लैक मनी थी, तो वो बैंक में जाके अगर ये अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो उनके ऊपर टैक्स पेनल्टी को इम्पोज किया जाएगा। Then second is demonetization is also interrupted as a shift on the part of government indicating that tax evasion will no longer will be tolerated or accepted. Second चीज government ने ये बोल दिया गया था tax evasion. Tax evasion means यही होता है कि tax की चोरी करना को tolerate नहीं किया जाएगा और accept भी नहीं किया जाएगा. Demonetization also led to tax administration channelizing savings into the फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। और डीमोनेटाइजेशन से ये हुआ कि अब जो लोग हैं वो टैक्स पे कर रहे हैं और एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम जो होगा वो रन करेगा। अनदर फीचर ऑफ डीमोनेटाइजेशन इज टू क्रिएट लेस कैश और कैश लाइट इकोनॉमी। दूसरा फीचर डीमोनेटाइजेशन का ये था कि कैश लाइट इकोनॉमी हो। कैश लाइट इकोनॉमी हो मतलब लोग अपने पास ज़्यादा कैश रखे ना। चैनलाइजिंग मोर सेविंग इन टू द फॉर्मल मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें तो कहीं ना कहीं जो जो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम है वो इम्प्रूव होगा और टैक्स कंप्लाइंसेस भी इम्प्रूव होगा। अब हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन। गवर्नमेंट पॉलिसी का इम्पैक्ट ये हुआ कि जो कॉम्पिटिशन था वो इंक्रीज हो गया। चेंजेस इन द रूल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थे उसके रूल्स चेंज हो गए। एंड एंट्री ऑफ फॉरेन फर्म इंडियन मार्केट हैज़ इंक्रीज। जो फॉरेन फर्म थी, बाहर की जो फर्म्स हैं वो इंडिया में आने लगी, तो कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिशन था वो इंक्रीज होने लगा इंडिया में। देन सेकेंड इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। वेल इन्फॉर्म्ड कस्टमर्स आर मोर डिमांडिंग। इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन द मार्केट गिव कस्टमर वाइडर चॉइस। देखिए कस्टमर्स की डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई और कस्टमर को अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलने लगी, क्योंकि जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो कस्टमर्स के पास चॉइस रहती है। मतलब कस्टमर हैव वाइडर चॉइस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट। उनके पास चॉइस रहती है कि वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस पर परचेज कर पाएँ। देन थर्ड इज रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत ही रैपिड चेंज होती है। Increased competition forces the firm to develop new ways to survive and grow in the market. Then next is necessity for change. After 1991 the market forces, देखिए 1991 के बाद क्या हुआ, मार्केट के फोर्सेस ऐसे थे
कि हर एक एंटरप्राइज को अपने आप को मॉडिफाई करना पड़ा, अपने ऑपरेशंस को मॉडिफाई करना पड़ा. देन फिफ्थ इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. द चेंजिंग मार्केट कंडीशन ऑफ टुडे रिक्वायर पीपल विद हायर कॉम्पिटेंस एंड ग्रेटर कमिटमेंट. हेंस देयर इज अ नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उन्हें भी डेवलप करने की जरूरत पड़ी. द चेंजिंग, क्योंकि मार्केट कंडीशन जो थे वो हमारे चेंज हो रहे थे, मार्केट कंडीशन जो थे वो चेंज हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको भी डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी. सिक्स्थ इज मार्केट ओरिएंटेशन. अर्लियर फर्म्स फॉलो प्रोडक्शन ओरिएंटेड. देखिए पहले की फर्म्स क्या करती थी, प्रोडक्शन ओरिएंटेड पॉलिसीज को अपनाती थी. प्रोडक्शन ओरिएंटेड मीन्स उनका मानना था कि आप प्रोडक्शन करते जाइए, प्रोडक्शन करते जाइए, जब मार्केट में आपके बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे तो लोग अल्टीमेटली बाय करेंगे. लेकिन जो अब फर्म है, टुडे फर्म्स प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन अब की जो फर्म है वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स गुड्स प्रोड्यूस करती है. उनका उनका जो मेन एम ये नहीं होता कि उन्हें सिर्फ गुड्स प्रोड्यूस करना है, उनका मेन एम ये रहता है कि उन्हें कस्टमर के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करने. देन इसके बाद है लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर. द बजटरी सपोर्ट गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द पब्लिक सेक्टर हैड डिक्लाइंड टू अ कंसिडरेबल एक्सटेंट. दस इन ऑर्डर टू सर्वाइव द पब्लिक सेक्टर हैव टू बी मोर एफिशियंट, जनरेट देयर रिसोर्सेज एंड प्रॉफिट. इससे पब्लिक सेक्टर जो थी उनको लॉस हुआ, क्योंकि जो बजटरी सपोर्ट था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था. पब्लिक सेक्टर का जो बजटरी सपोर्ट था वो कम हो गया था, तो पब्लिक सेक्टर को इससे लॉस होने लगा. वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.